क्रिएशंस द्वारा निर्मित और आदित्य मोडक द्वारा लिखित नाटक मी स्वरा आणि ते दूध में अपनी साथी को देखने का एक अलग तरीका तलाशने की कोशिश की गई है। इस नाटक का पूर्व अभ्यास शनिवार 18 मार्च को 2023 रात 9 बजे डॉक्टर वसंतराव देशपांडे ऑडिटोरियम सिविल लाइंस में किया जाएगा। इस अवसर पर दिग्गज अभिनेत्री निवेदिता सराफ, दिग्गज अभिनेता विजय पटवर्धन, अभिनेता सुयेश तिलक और अभिनेत्री रश्मि अनपट ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस नाटक में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत किस्मत की बात है जो आपको पूरे दिल से और निस्वार्थ रूप से प्यार करता है। हर कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो उम्र के किस पड़ाव पर मिलेंगे ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आपके लिए अपने प्यार को पहचानता है और उसका सम्मान करता है तो रिश्ता पनपेगा। साथ ही अगर रिश्ते में एक दूसरे को समझने की परिपक्वता है तो उसे तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अभिनेत्री निवेदिता सराफ ने कहा कि मिस्वरा और ते दोगम है एक ऐसा नाटक है जो रिश्तों पर और वैकल्पिक रूप से अपने साथी पर एक अलग दृष्टिकोण देता है। उन्होंने यह भी कहा कि नाटक रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। नाटक घेऊन विदर्भ दौऱ्यावर आलो आहे। आज आमचा वर्ध्यात प्रयोग आहे, उद्या नागपूरला आहे, अमरावती आणि चंद्रपूर अशा चार ठिकाणी नाटकाचे प्रयोग करतोय। आणखीन आत्ताच आमची प्रेस कॉन्फरन्स झाली या नाटकाच्या संदर्भात, आम्ही नाटकाबद्दल बोललोय आणि खूप छान रिस्पॉन्स आणि खूप मस्त प्रश्न आम्हाला आत्ता इथे विचारले गेले आणि आम्ही खूप उत्सुक आहोत तुमच्या सगळ्यांच्या काय रिॲक्शन्स आहेत आमच्या नाटकाकडे बघण्याच्या, किंवा हे नाटक बघितल्यावर तुम्हाला आवडतं आहे का, तुम्हाला कसं वाटतं आहे। तर तुम्ही, मी तुम्हाला अगदी आव्हान करते, जरूर हे नाटक बघायला या। मी स्वरा आणि ते दोघं हे नाटक नक्कीच तुमचं मनोरंजन करेल, थोडंसं विचारही करायला लावेल, तर तुम्ही जरूर या। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।